दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि यदि आप काइनमास्टर के अंदर किसी भी वीडियो को बीच में से कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि दोस्तों आप इसको आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको कट का ऑप्शन मिलता है और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको कट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों यदि आप किसी भी वीडियो को बीच में से कट करना चाहते हैं, जहाँ से भी आप कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको उस वीडियो को यहाँ पे एडिट कर लेना है। और एडिट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। और एक्सपोर्ट होने के बाद दोस्तों फिर आपको वापस इस वीडियो को एडिट करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको दोबारा आपको काइनमास्टर के अंदर जाके उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों हम दोबारा काइनमास्टर के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। और बैक आने के बाद दोस्तों हमें इसको यहाँ पे डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं उसी वीडियो को लेना है जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक्सपोर्ट इस वीडियो को किया, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। और लेने के बाद दोस्तों अब हम इस वीडियो को बड़ी आसानी से जहाँ से भी कट करना चाहते हैं वहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। यदि आप इसको अब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन सब जगह मिल जाता है। आप जहाँ से भी इसको कट करना चाहते हैं वहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, और यदि आप इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।